दिखाई दी सांसदों से, तो क्या वो नाराजगी भी नलिफाई हो जाती है क्योंकि एग्जिट पोल ये आंकड़े दे रहा है? नहीं, देखिए जितना ज्यादा आप क्रिटिसाइज करेंगे एक इम्पैक्ट पड़ता है, रिवर्स एक्शन उतना ही होता है। आपने मोदी जी को 5 साल 10 साल क्रिटिसाइज करके, बीजेपी को क्रिटिसाइज करके हमेशा जनता के दिमाग में परमानेंट वे में उनको बैठा दिया। ये अपने मुद्दों की बात ना करके केवल मोदी के पीछे पड़ गए, मोदानी के पीछे। देखिए एक किसी बड़ी हस्ती का अगर आप मजाक उड़ाते हैं ना, तो आप खुद मजाक का पात्र बन जाते हैं। और रिजल्ट अगर इसी तरीके से आए जैसे सारे चैनल दिखा रहे हैं, तो वाकई में इंडी अलायंस, विपक्ष और उनको सपोर्ट करने वाले सारे यूट्यूबर गैंग, ये सब जबरदस्त तरीके से मजाक का पात्र बनने वाले हैं। जी ठीक है, धीरज जी आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि INDIE गठबंधन कहीं ना कहीं पोलराइज कर रहा था, पोलराइजेशन वहां पर भी हो रही थी। हालांकि आरोप बीजेपी पर लगते रहे कि आप सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, मुस्लिमों के अगेंस्ट है, लेकिन आप ये देखिए अगर ये आंकड़े एग्जिट पोल में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पक्ष का समर्थन भी बीजेपी और NDA को मिल रहा है। देखिए आप जब ये सारी बातें हो रही हैं तो ये देखिए कि विपक्ष के अंदर जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के अंदर भी जो उनकी जो संरचना है, उनकी जो कार्यशैली है और उनका जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको जो रिवैम्प करना चाहिए था, उसको जो रीऑर्गेनाइज करना चाहिए था, उसको रीचैनलाइज करना चाहिए था और उसमें जो एक्टिव मेंबर्स थे और उनको जो प्लेस करना चाहिए था वो सारी चीजें ये नहीं कर पाई। ये आप देखिए कि वही जो है परिवारवाद की राजनीति, वही वंशवाद की राजनीति, हर जगह उसी तरह के चेहरों को खड़ा करना, अपने जो संरचना को मजबूत करने पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने उस वक्त पे जो है भारत जोड़ो यात्रा चालू की, न्याय यात्रा चालू की, जब आपको इन सारे चीजों के बीच करना था और जनता के बीच आपके कार्यकर्ताओं को जाना था, उस सारे चीजों को वो नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि ये सारे चीज तो थी, साथ साथ आप देखिए यहाँ जो संगठन जो था, ऑर्गेनाइजेशन जो था वो पूरी